अभी थोड़ा वहाँ से आगे अगर आओगे आप तो यहाँ पे आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ से क्या क्या आते हैं, ये देखो यहाँ पे सभी लोग। अभी मॉर्निंग के बजे है 7:30, हम आए आज शूट के लिए। ये देखो आज मेरे जैसे रेडी होके आई है। इधर दिखाओ, हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखो मिसेस लिखा हुआ है और मेरे ऊपर मिस्टर लिखा हुआ है। ये मेरी वाइट शूज़ है, मेरी भी वाइट शूज़ है। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप आई हुई है और हमारा फ़ोटो सेशन चालू हुआ, अभी तक का हमारे कैमरामैन से नहीं आए। हमें बोलते हैं 7 बजे आएंगे और आप 7 बजे आओ, और अभी 8 बजे फिर भी नहीं आए। तो हमें टाइम मिला है तो हम इंजॉय करते हैं। अच्छी बात है नहीं आए, थोड़ा देर से आओ और पानी थोड़ा कम है। तो ये दिखाते, तो पहली बार देख रही है। देखो मंदिर, ये देखो मंदिर पूरा नदी में है और पानी थोड़ा कम है इसलिए दिख रहा है। वाव, पानत मंदिर आधीपासून है, तुझा जन्म वैसे आधीपासून। ये देखो इसके उठपटांग हरकतें चालू हो गई है, हाइट पहुंचती नहीं है और इधर जाके देख रही है। यहाँ पे सब ट्रैवलर्स आए हैं, लोग यहाँ पे बहुत सारे थे तो चले गए और अभी हम जाते हैं उस साइड पे। ये देखो ये मंदिर है, यहाँ पे जाने के लिए पानी में जाना पड़ेगा पहले। ये भी एक मंदिर है, देन यहाँ पे भी एक है और उसके बाद वहाँ पे भी एक है। तो अगर अंदर जाना है मंदिर में तो थोड़ा तैर के जाना पड़ेगा, पानी में डूब जाएंगे। इधर भी बहुत सारे मंदिर पानी में है अंदर और वहाँ पे बहुत सारे लोग तैर रहे हैं। हाँ, हर एक मंदिर में नंदी होता ही है। तो मैं कैसा दिख रहा हूँ बताओ, आप कमेंट करके बताओ। और ऋतु कैसे दिख रही है, पंचगंगा नदी के आसपास बहुत सारे मंदिर है। ये देखो अंदर भी, अगर यहाँ से अंदर जाओगे तो यहाँ पे अंदर आपको दिख रहे होंगे ये 2-3 मंदिर यहाँ पे। और ट्रैवलर्स बहुत सारे आते हैं इधर। पिछले साल तो नहीं हुआ गणेश विसर्जन, उससे पिछले साल तो हमेशा यहाँ पे गणपति विसर्जन होता था और बहुत सारी भीड़ रात पूरे रात भर 2-3 दिन यहाँ पे लगी रहती थी। लेकिन अभी क्या है, इसका जो पानी है बहुत गंदा हो चुका था इसलिए उन्होंने बैन कर दिया और कोल्हापुर के गवर्नमेंट रूल्स में ऐड कर देगी यहाँ पे कोई गणपति विसर्जन नहीं करेगा। इसलिए अभी अच्छा सा मेंटेन हो चुका है और पानी भी अच्छा, यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हुए। और तुम इधर आ जाए, इधर आ जाए, जब मैं बात करता हूँ ना तो ये कहीं पे भी चली जाती है। इधर भी मंदिर है, सभी जगह पे मंदिर मंदिर मंदिर। वो हाँ, वो मछलियों को थोड़ा खाना खिला रहे हैं, मैं भी जाता हूँ मछलियों को खाना खिलाने। ये देखो यहाँ पे कचरा है, वहाँ पे भी बहुत सारा कचरा है तो दिक्कत है। और यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह भी, टू व्हीलर वहाँ पे भी है, 4-व्हीलर्स हैं सब कुछ। और यहाँ पे भी 2-व्हीलर्स, आप यहाँ पे स्टॉल लगे हुए छोटे छोटे। अरे ये कपड़ा किसका गिर गया, मैं एक बार आया था तो पानी इधर तक था, ये पूरा मंदिर डूब चुके थे। अरे ठीक है, ऐसे सो रहा है। देखो देखो कैसे आराम से सो रहा है, देखो पूछ ही ला रहा है। आए उठ गया, उठ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्त। हाय टाइगर, टाइगर वेयर आर यू। ये देखो यहाँ पे भी एक मंदिर है। तो चलो आगे की साइड पे चलते हैं। यहाँ पे भी अंदर 2-3 मंदिर है। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है लेकिन मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। और नदी है देखो कितनी लंबी है, यहाँ से आपको गोप्रो में नहीं दिख रहा होगा बट ये देखो लोग हैं नीचे इधर से सब, और वहाँ पे ज़्यादा तैर रहे हैं, तैरने के लिए कपड़े धोने के लिए इधर ज़्यादा लोग हैं। और उधर भी वहाँ पे भी लोग आ रहे तैरने के लिए। ये गणेश विसर्जन का मेन पॉइंट है, ये यहाँ से गणपति विसर्जित होते सारे के सारे, होते थे अभी नहीं होते। अभी रंकाला के पीछे जो तालाब है उसमें डाल देते हैं विसर्जन के लिए फिलहाल। तो ये देखो छोटी बच्ची तैर रही है, यहाँ पे बहुत लोग डेली सीखने के लिए भी आते हैं तैरना। क्या आपको भी तैरना आता है, तुम्हें तैरना आता है क्या? नहीं आता। चलो वो छोटी बच्ची तैर रही है, मुझे आता है, बहुत ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा मजा आता है पूरे इंडिया में। मुझे पता है तुम्हें नहीं आता। नहीं आता, मैं जाऊँ क्या इधर?
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी थोड़ा वहाँ से आगे अगर आओगे आप तो यहाँ पे आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ से सब कुछ ऐसा, और यहाँ पे देखो लोग कितने हैं, सब कुछ सब गाड़ियाँ पार्किंग के लिए भी यहाँ पे जगह है। यहाँ भी फिर से एक मंदिर है। हमारे कोल्हापुर सिटी के सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आसपास के गांव के लोग एंजॉय करने के लिए, डेली तैरने के लिए। मैं तो बहुत सालों बाद आया हूँ, ऐसे मॉर्निंग टाइम पे कभी नहीं आया था। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे नज़ारे देख के। हाय कृतिका, इसको तो अभी 8 बजे की धूप भी सहन नहीं हो रही। ये देखो छाँव में जाके खड़ी हो रही। क्या हुआ? मुझे रील्स बनानी। ये लो रील्स बना बना, देखते क्या बना। लो बनाते रहो इधर रील्स। रील्स तो अच्छे बनाते नहीं हो और रील्स बना ले। रील्स तो एक भी वायरल नहीं हो रहा है इसका, और वो रील्स बना ले कुछ भी। गजब बेइज्जती है। चलो सोचा थोड़ा नीचे जाके आते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सभी लोग, सॉरी ये न्यू कंटेंट हो सकता है, सभी यहाँ पे लड़के लोग थोड़े नंगे हैं तैर रहे हैं, मतलब थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है स्विमिंग। तो चलो ऊपर चलते। तो अपने भाई लोग यहाँ पे 3-4 लोग हमें मिले जो कि बोल रहे थे कि आपका चैनल है क्या, आप ब्लॉग बना देगा। तो मैंने कहा हाँ ब्लॉग बनाता हूँ। तो देख रहे थे चैनल, तो आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अच्छा लगा तो कुछ अपने दोस्तों को शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आगे की कहानी हम कंटिन्यू करते हैं।